आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो WCC3 के कैरियर मोड के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये हमारा 7वां एपिसोड है, काफी लंबा टूर जाने वाला है क्योंकि आप लोग भी बोल रहे हो यार हर मैच अपलोड करो। तो कोशिश करूंगा हर मैचेस खेल के अपलोड करने की, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप लोग उसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड कीजिए। तो थोड़ा टाइम लगता है यार क्योंकि एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे ये मुश्किल होता है क्योंकि 40-50 मिनट्स के गेम प्ले होते हैं दो मैचों में सिर्फ, तो उसको कट करना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए ताकि आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम दो ही मैच खेलेंगे क्योंकि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। जब आपको पता होगा पिछला एपिसोड देखे होंगे, रीजनल T20 मैचेस खेल रहे हैं फिलहाल, तो उसको क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल। और जब हारेंगे यानी हमें दोबारा चांस मिलेगा फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, तो लूज नहीं होना है, दो मैच खेल के यानी सेमीफाइनल और फाइनल खेल के इस टूर्नामेंट को हमें जीतना है। तो जीत सकेंगे या फिर नहीं तो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो रीजनल T20 का सेमीफाइनल देखते हैं किन के साथ है, हैदराबाद बूम्स के साथ है। तो कोशिश करेंगे इस मैच को जीत के फाइनल में जाए, और जब हम हारेंगे और एक चांस हमें मिलेगा फाइनल में जाने का, तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है। हेल्थ लेंगे, कोशिश करेंगे बॉलिंग करें सबसे पहले क्योंकि चेस करने में थोड़ा आसानी होता है, लेकिन टॉस हार गए हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले हमें बैटिंग करना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे 200 के करीब स्कोर खड़ा करें। 31 एवरेज, ये एवरेज बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। मौके का लाभ उठाना होगा बल्लेबाजों, परफेक्ट शॉट है लेकिन शायद सिंगल ही मिलेगा, लेकिन डबल नहीं लेंगे। पहले कुछ गेंद देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे क्योंकि यार सेमीफाइनल है। नॉट आउट है, मुझे पता है नॉट आउट बहुत सफल की है। जी हाँ बिल्कुल, इंपैक्ट जो है आउटसाइड ऑफ, तो रूल के हिसाब से ये नॉट आउट है। चलो इस बार थोड़ा गैप खोल चुके हैं यानी ओपोनेंट टीम, तो कोशिश करेंगे उसी गैप में मारने की। डबल तो आसानी से लेंगे, जल्दी जल्दी पहुंच यार, क्लोज कॉल था ये। इस बार थोड़ा ट्राई करते हैं, परफेक्ट। और ये हमारा पहला छक्का इस मैच का यानी सेमीफाइनल का। रिप्लेसमेंट मंगवानी पड़ेगी, आसानी से मिलने वाली है नहीं। एक बार फिर ये नहीं होना चाहिए सेमीफाइनल में। बाहर की तरफ चला, अच्छा शॉट भी था, परफेक्ट भी था, लेकिन इनसाइड एज लेग के प्ले डाउन हो गए। सच में यार वो भी सेमीफाइनल में होना था। 12 गेंदों पे 19 रन, अच्छा जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ऑटो प्ले करते हैं, देखते हैं स्कोर कितना होता है हमारे टीम का। जीतना है यार, 124 काफ़ी कम स्कोर है, तो कोशिश करेंगे बॉलिंग में कुछ तो जल्दी से जल्दी विकेट निकाल के बैकफुट पे डाल दें। सब कुछ सेट है, तो रोकना है जैसे भी करके, हमें रोकना है और इस मैच को जीत के फाइनल में पहुंचना है। भाग्यशाली की दुर्घटना नहीं घटी, तो ये हमारा पहला विकेट है। गेंद हाथ से फिसल रही है लेकिन इन्होंने पकड़ा कैच को, फिसलने नहीं दिया मैच को। दूसरा विकेट, जी हाँ अभी तक ओपोनेंट टीम का खाता भी नहीं खुला है और दो विकेट उनका गिर चुका है। जो भी हो छह नहीं खाना, कैच हो जा, लेकिन नहीं, मुड़कर देखेंगे छह रन खाते में। कैच ये हुई ना बात, और क्या थी खूबसूरत ये टाइमिंग। जी हाँ गेंदबाजी, बल्लेबाज, 4 विकेट, 12 रन उनका स्कोर हुआ है। डॉट बॉल, 6 नहीं होना, जो भी हो 6 मत होना, मुझे पता था 6 होगा यार। स्टैंड्स में फील्डर नहीं होते, वहीं से मंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे 6। यार थोड़ा स्कोर कर देते ना ये मैच जीत जाते आसानी से। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। ये देकर जाएगी आधा दर्जन रन। कैच हो जा, हो गया। तो 5 विकेट,
चतुराई से की है गेंदबाजी, बल्लेबाज को रखा है खामोश। चार गेंदों पे सिर्फ एक ही विकेट निकाले हैं, लेकिन अच्छी बात है कि स्कोर नहीं दिए। ये भी डॉट, क्या गेंद है ये, एक और डॉट गेंद। अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर, विकेट 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 हो गया और नहीं खुला खाता। तो छह विकेट ले चुके हैं, सिर्फ 20 रन दिए हैं अपने इस स्पेल पे, तो देखते हैं टीम जीतता है या फिर नहीं। बल्लेबाजी क्रम में चलो ऑटो प्ले पर लेते हैं। रिक्वायर्ड रन तो यार बहुत ही कम है, होप सो फिंगर क्रॉस जीत जाए इस मैच को। और ये हमने जीत लिया, यानी फाइनल में एंट्री हो चुका है हमारा। हमने टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजुबान। लड़ाई तो बहुत की, मैच मैच किसको मिलने वाला है, ऑब्वियसली हमें 6 विकेट लिए हैं। बैटिंग में उतना कुछ खास नहीं, 19 रन और आज प्रदर्शन फिर भी टॉप क्लास था यार, हमारे वजह से ही तो मैच जीते हैं। इन्हीं के पास तो हम पहुंच चुके हैं इंडिया रीजनल T20 के फाइनल में। किसके साथ है फाइनल? शायद कर्नाटका फायर के साथ है। तो इस मैच को जीत के इस टूर्नामेंट को अपने नाम करते हैं, वही उम्मीद है कि जीत जाए इस मैच को। और कोशिश करेंगे पहले बॉलिंग ले, यार इसके सेमीफाइनल में तो यार बॉलिंग ना होने के चलते थोड़ा मैच कॉन्टेस्ट हो गया। दोनों कप्तान अपनी तो टॉस जीत जाए, होप सो हेड्स लेंगे हम इस बार। जीत जाए टेल्स, फिर से हार गए टॉस, तो ओपोनेंट जो चूज करेगा उसी हिसाब से हमें, अच्छी बात है कि बॉलिंग करेंगे हम। चेस करने से क्या होता है कि अपना टैक्टिक्स खुद बना सकते हो कि कितना रन है, कैसे खेलना चाहिए, कैसे हमें आगे शॉट्स खेलना होगा, क्या लॉफ्टेड शॉट बेटर रहेगा या फिर ग्राउंड शॉट। लेकिन जो सामने वाला फील्डर है उसको सही जगह पे लगाना होगा हमें। तो देखते हैं, दो तीन बॉल चेक करते हैं ठीक जगह पे लगा है या फिर नहीं। स्विंग हुआ, गेंदबाज को मिल गए विंग्स, बल्लेबाज खतरे में। डबल छे, दो गेंदों पे दो छे हो चुका है। तो मिलने चाहिए आठ या दस। फाइनल में तो यार तो जो बोलते ना फटने वाला है वो मुझे लग रहा है इस मैच में होगा हमारा। सटीक लाइन, सटीक लेंथ, बल्ले। पहला ओवर खत्म, 12 पे नन। बहुत मैचों के बाद हम पहले ओवर में विकेट नहीं निकाले। प्रयास हो गया, गेंद के नीचे पहुंचे भी और पकड़ा भी। कैच, और ये कैच पहली बार कुछ अलग तरह से आउट हुआ है। सोच रहे हैं ये कैचिंग प्रैक्टिस है क्या? चलो जैसे भी हो कैच तो होना चाहिए। शुरुआत गोल्डन। पहले ओवर के मुकाबले सेकंड ओवर हमारा अच्छा गया है और ये हमारे तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पहले गेंद पे ही विकेट। बल्लेबाज का खाता खुला ही नहीं, 3 विकेट मिल चुका है। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, तो कोशिश करेंगे 5 विकेट ले पाए, उससे ज्यादा भी हो तो यार सोने पे सुहागा। बूम, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ओवर जा रहा था लेकिन लास्ट गेंद पे छक्का लग गया हमें। गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंदबाज को। तो फाइनल का आखिरी ओवर डालते हुए सिर्फ 3 ही विकेट निकाले हैं, कोशिश करेंगे कम से कम इस ओवर में तो 2 विकेट निकालें। पहला गेंद अच्छा गया, तो आखिरी गेंद विकेट तो नहीं निकाल पाए लेकिन स्पेल काफी अच्छा गया इकोनॉमिक के हिसाब से देखे तो, लेकिन लास्ट बॉल छक्का लग गया। तो 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए हैं और 3 विकेट हमने झटके हैं फाइनल में। बॉलर को कहा तो देखते हैं आपका ओवर समाप्त, कर्नाटक का कितना स्कोर होता है, हमें टारगेट मिलता है उसी हिसाब से हम बैटिंग भी करेंगे। 108 फाइनल में, 108 है, 109 टारगेट है, तो कोशिश करेंगे हम नॉट आउट होके इस मैच को जीत जाए। चलो पहले गेंद से थोड़ा लॉफ्ट खेलते हैं क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, फिर से यार अंपायर को दिखता हुआ नहीं है। जी हाँ बिल्कुल जाएंगे हम, शायद अंपायर फिक्स कर चुका है मैच को कि इसको आउट ही देना है, इसको रन बनाने नहीं देना है। कहाँ गेंद डालता है, कहाँ गेंद पिच होता है, कहाँ इंपैक्ट होता है, कहाँ विकेट पे लगता है, उसको सिर्फ दिखता है कि विकेट पे लगे और उंगली खड़ी कर दे। अब गोज द फिंगर, फिर से वही, बैट्समैन को बिल्कुल फिर से रिव्यू अंपायर के इस डिसीजन से, तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ। क्या हो रहा है, शॉट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? बोलते हैं ना पहला गलती से सुधरना चाहिए, ये अंपायर तो सुधरता भी नहीं है, उंगली पे उंगली खड़ी कर दे रहा है।
पैड पे लगा मतलब चलो आउट दे देते हैं। चतुराई से की है गेंदबाजी बल्लेबाज को, इस बॉल पे तो खुल ही जाएगा। डॉट गेम वो भी नहीं, चीते को पीछे छोड़ दे, अर्ली था लेकिन खाता खुल चुका है। इस सिंगल के साथ गलती कर रहे थे, लॉफ्ट हेड शॉट खेल के 8 गेंदों पे 1 रन सिर्फ बनाए हमने। बढ़िया फील्डिंग, बल्लेबाज के पास रन लेने का मौका नहीं। गैप में डाल चुके हैं, ये पहला चौका फाइनल का। गैप उधर था तो मैं सफल करके यार चौका तो मारना ही होगा क्योंकि बहुत स्लो खेल रहे हैं। फिर से गैप निकाले और फिर से चौका। अलविदा कहा है चौके के साथ। अच्छा ओवर हमारे लिए भी, टीम के लिए भी। और ये गैप में डाल दिए हैं, चौका मिल जाएगा तो हमें की भी जरूरत नहीं। तो रन बॉल पे पहुंच गए हैं, यानी इंडिविजुअल स्कोर 14 पे सिर्फ 14 गेंदों पे, यानी काफी स्लो खेल रहे हैं लेकिन चलेगा यार, उतना भी स्कोर कहाँ हुआ है उनके टीम का। फिर से गैप में डाले हैं, डबल मिल जाएगा आसानी से, फुर्ती से इसको लॉफ्ट खेलते तो अच्छा होता मेरे हिसाब से। चलो इसको खेल लेते हैं, पूरा गैप में डालेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है। जबरदस्त शॉट, बढ़िया शॉट, ये अच्छे। ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौरवान्वित होता। फिर से प्ले डाउन नहीं यार, फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली फिर से प्ले डाउन सफलता। वही यार सेम चीज 2 लगातार मैचों में। चलो ऑटो प्ले करते हैं, मैच जीत जाए कम से कम, फाइनल में है यार। और ये मैच हार गए यार सही में। आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है? पहला टूर्नामेंट जीतने के बहुत करीब थे यार। यू हैव मास्टर रीजनल T20, थैंक यू फॉर दैट। कैरिबियन लीग में तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी उसके लिए हमें चाहिए 10 लीग पॉइंट्स, जो अभी फिलहाल हमारा है 5। 15 नेशनल पॉइंट हो चुका है। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा पहला मैच रीजनल T10 का। जी हाँ, T20 खेल रहे थे, अभी T10 खेलेंगे, तो इसमें हमें कुछ लीग पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, इसमें लीग पॉइंट्स मिलेंगे तो 10 करीबन हो जाएगा इसके बाद के एपिसोड में, तो उसके बाद हम शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैरिबियन लीग में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होगा। लेकिन ये वाला एपिसोड तो यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो होप सो एपिसोड पसंद आया होगा, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आने वाले एपिसोड देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।